हो आप पटाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ भाईजन जहीन हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि शेर अंडे देता है या बच्चे? मणि शेर जंगल का बच्चा है, वो अंडे दे या बच्चे? गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान टिकटॉक वीडियोस। और यार जब भी हम लोग पठान के टिकटॉक्स बनाते हैं ना, लिटरली आप लोग इतना हमें भर भर के प्यार देते हो। इवन मतलब कि मुझे मतलब मेल भी आते हैं ऐसे करके, मैं भी पठान हूँ, हमारा कल्चर ऐसा होता है वैसे। और आप लोग हम लोगों को बहुत चीजें समझाते भी हो कि भाई जरूरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही है। और कभी कभी ये भी होता है कि जिस चीज में हम गलत होते उसमें आप सुधारते भी हो हमें, तो वो चीज मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी देखते हैं कि आज की जो पठानों की टिकटॉक वीडियो होने वाली है वो कैसे होने वाली है। और इतना तो हमें लोगों को पता है कि भाई एटीट्यूड तो होगा ही होगा फॉर श्योर। बाकी देखते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने सुना था कि पठान बहुत मेहमान नवाज होते, ज्यादा देर अपने मेहमान को दरवाजे पे खड़ा नहीं रखते। क्या बात है। तुमने गालिबन ये नहीं सुना होगा कि हम आने वाले का मकसद पहली नजर में पहचान लेते हैं, फिर उसके हिसाब से। मतलब इनका मकसद क्या है? इनको पता लग गया पहली नजर में ही। टाइगर शिलम सर मारो। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। लड़का भी और बच्चा भी। हाँ भाई शेख कैसे हो? भाई क्या हुआ, पठान है अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई। अच्छा मुझे ये बताओ भाईजन जहीन हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि शेर अंडे देता है या बच्चे? मणि शेर जंगल का बच्चा है, वो अंडे दे या बच्चे? कुछ भी दे उसकी मर्जी। शेर ने तेरे से कभी पूछे कि तू बच्चे दे रहे या अंडे दे रहे? ये है पठान का स्टाइल। मुझसे कहते हैं तू भी नहीं पूछ बात। पावर ऑफ पठान। ये दम किया किसी और को दिखाना मेरे भाई, पख्तून खानदान का सबसे बिगड़ा हुआ चिराग हूँ मैं। पावर ऑफ पठान। वो पठान है और एक तरफ भाई वो बड़ा है, काफी बड़ा बच्चा है। और वो एक छोटा सा बच्चा जो देखो प्रॉपर एक बड़ा सा लग रहा है। भाई साहब कौन जीतेगा? बच्चा है ना लेफ्ट साइड वाला, बहुत है। ओ भाई कब के बच्चे ने हरा दिया उसको। क्या कर रहा भाई? भाई द जंगल गो ओ भाई बनान दो खलको भाई पुलो असलो गुंदे बिनान दो खलको जुमाद खार खाइस्त और मरावड़े भाई वो गेम तो प्रदेश गुन नूर मरावड़े जिन्दाश तो खंद बेरो रनशी याद परो भाई काला रंग से याद परो खुशा सरिया टाइप लग रहा था ये भी। ओ भाई जम
ये देखो ना पूरे पूरे पेड़ कहते हैं कि मेरा खुदा बचाए तुमको कोबरा के जहर से, शेर के जबड़े से और पठान के बदले से। क्या कह रहे हो तुम जल्दी? मैं मारवाड़ पठानों के लिए एक जुमला कहता हूँ कि एक अल्लाह ने इंसान पैदा किया ये इमरान खान की पठान है। अच्छा, इमरान खान की पठान है। वाओ, क्या वीडियो थी भाई। इसको देखकर ना दिमाग हिल गया, लिटरली हिल गया। और हम लोग इसको देखकर इतना शॉक हो गए कि भाई पठान इतने पावरफुल कैसे होता है कि सबसे ज्यादा शॉकिंग होता है कि जो उन्होंने उन्होंने उस सरिया लगा रखा था और उसको मोड़ दिया भाई। मतलब यहाँ पे कोई मेरे को ऐसे जोर से छूने ना, मेरे इतनी दर्द हो भाई। नॉर्मल आदमी की बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से उसको मोड़ा वो उनकी ट्रेनिंग भी होगी बहुत टाइम से, तब भी उन्होंने करा। और उनको ना अपनी उस पे इंद्रियों पे बोलते हैं हम लोग, उस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होएगा। लेकिन यार इतने बड़े सरिये को और वो भी गले से मोड़ना बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। वो मतलब थोड़ा शार्प भी लगता है तो वैसे चुभ रहा होगा। और वो मतलब ऐसे भी हो सकता है अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत स्टेप ले गया कि वो यहाँ से कब अंदर जाए पता ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत तीखी पेनफुल चीज है। मतलब इट्स लाइक अ स्वॉर्ड ओनली है ना, कि मतलब अगर चले जाए तो फिर अंदर कट वगैरह भी लग सकता है। लेकिन भाई उन्होंने कितने उससे उसको मोड़ा, वो बहुत शॉकिंग था। और दूसरा वो पेड़ वाला भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं मतलब कि हिली एरिया से बिलोंग करती हूँ ना, तो हमारे ऐसे हो जाता है कि कभी कभी पेड़ ले आते हैं या कुछ भी, क्योंकि हमारे खुद के ऑर्चर्ड है तो वहां भी सूख जाता है कोई पेड़, तो उसको घर लाते हैं। तो भाई मैंने देखा है कि एक या दो लोग दो से तीन लोग लगते ही उन पेड़ को लाने में, लेकिन वो पेड़ों को एक ऐसे ऐसे उठा रहा था। तो मैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम वो गाड़ियों में लाते हैं वो पेड़, लेकिन यहाँ पे जो पठान है तुम देखो कितने पावरफुल है भाई, वो ऐसे उठाकर ला रहे थे। तो उससे तो पता लग जाता है कि भाई जो जो पठान है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। और वो एक वो वाली स्टार्टिंग में आई थी गेस्ट वाली वीडियो है ना, कि मतलब जो पठान उनको मतलब कि सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे कोई मेहमान नवाजी कर सकता है वो पठान कर सकता है, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा होता है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम लोग नियत को भी देख कर आते हैं कि मतलब कि अगर उसकी नियत कैसी है वो पता लग जाता है, फिर हम उसको उससे ज्यादा ट्रीट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, उसको तुम अपने घर पे रुका रहे हो तो यू हैव तुम्हारे पास सेंस होना चाहिए उसको परखने का। सही बात है। तो बहुत कमाल की वीडियो थी यार, और हमेशा की तरह हम वापस शॉक हो गए पठानों की ताकत को देखकर। और हम ऐसा है कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल, सही में तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने। बाय।